मैं कीर्ति परोहा, कक्षा 12वीं के जीव विज्ञान की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ बच्चों। और जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में पुष्पी पुष्प में लैंगिक प्रजनन की जो घटना है उसका अध्ययन किया था, उसके अंतर्गत हमने लघु बीजाणु जनन, इसके बाद गुरु बीजाणु जनन और ओव्यूल का निर्माण, भ्रूण कोश का निर्माण, इसके बारे में अध्ययन किया था। और अब हम आज अध्ययन करने जा रहे हैं इसी श्रृंखला के अंतर्गत पॉलिनेशन या परागण के बारे में। तो चलिए बच्चे समझते हैं कि परागण क्या है। सिंपल सी बात है, अगर हम परागण की बात, परागण की हमको क्यों नीड है, व्हाई फ्लावर्स नीड पॉलिनेशन, क्योंकि हमने ये समझा कि पुष्पों में मादा युग्मक उसके जायांग पार्ट में निर्मित हुआ, तो जो जायांग पोर्शन है पुष्प का उसमें क्या निर्माण हुआ, मादा युग्मक का निर्माण हुआ। और पुंकेसर वाले पार्ट में किसका निर्माण हुआ, लघु बीजाणु जनन के द्वारा पोलन ग्रेन्स अर्थात नर युग्मक का निर्माण हुआ। बच्चों अब ये नर इन युग्मकों के निर्माण के होने से लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट नहीं होता है। इसके बाद आगे नीडेड होता है कि ये आपस में मिले और फर्टिलाइजेशन या निषेचन की क्रिया को करें। तो मादा युग्मक के पास किस प्रकार नर युग्मक जाए ताकि हमारे आगे की निषेचन की जो क्रिया है पौधों में वो हो सके, इसके लिए आवश्यकता है परागण की। पहले आप ये कॉन्सेप्ट समझिए कि व्हाई वी नीड पॉलिनेशन, पॉलिनेशन की आवश्यकता क्यों है, और ये 2 to 4 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है। तो हमने ये समझ लिया कि मादा युग्मक और नर युग्मक के फ्यूजन के लिए निषेचन आवश्यक है, और निषेचन के लिए उसके पहले परागण की क्रिया होना आवश्यक है। तो परागण को हम सिंप्लीफाई शब्दों में समझा सकते हैं कि पराग कणों का, पराग कण कहाँ बनते हैं, पराग कोश में, तो पराग कणों का पराग कोश से निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचना परागण कहलाता है। सिंपल है, बहुत सरल परिभाषा है। पराग कण जाहिर सी बात है पराग कोश में बनेंगे, और अगर वो पराग कोशिका से क्या करेंगे, बाहर निकलेंगे, तभी वो कहाँ पहुंचेंगे, वर्तिकाग्र तक। इस क्रिया को हम परागण कहते हैं। इसको हम डायग्राम में देखें, ये देखिए ये पोलन ग्रेन्स होते हैं। पोलन ग्रेन्स सब में अलग अलग टाइप के होते हैं, अलग अलग पुष्पी पौधों की स्पीशीज के आधार पर अलग अलग होते हैं। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि पराग कण निर्माण हुए, ये पराग कोश से जब डहिसेंस ऑफ होता है स्टेमन का, तो उससे पोलन ग्रेन क्या होते हैं, वातावरण में मुक्त होते हैं, और इन्हीं पोलन ग्रेन्स का कहाँ जाना, वर्तिकाग्र तक, ये स्टिग्मा पर, यहाँ तक पहुंचने की जो क्रिया होती है उसे हम परागण कहते हैं। हम देखेंगे कि क्या हो गया, पराग कण यहाँ पे बने और पराग कण कहाँ पहुंच गए, वर्तिकाग्र तक, इसको हमने परागण कहा। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। सामान्य तौर पर परागण दो प्रकार का होता है, एक होता है स्वपरागण अर्थात इसको कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, इंग्लिश में भी आपको याद रखना चाहिए सेल्फ पॉलिनेशन, और परपरागण अर्थात क्रॉस पॉलिनेशन। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, स्वपरागण अर्थात उसी पुष्प के पराग कणों का, उसी पुष्प के अंदर परागण की क्रिया होना क्या कहलाता है, स्वपरागण कहलाता है। हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे पास एक पुष्प है, एक फ्लावर है, सपोज ये एक फ्लावर है, ये इससे अटैच है, और यहाँ पर इसके पोलन ग्रेन्स भी बने हुए हैं, इसके अंदर पोलन ग्रेन है, और यहीं पर इसका अंडाशय वाला पोर्शन है वो स्थिर है। तो क्या होगा कि ये जो पराग कण यहाँ से निकले, ये इसी पुष्प में, इसी प्लांट में, इसी पुष्प में, यहाँ पर ये कहाँ ट्रांसफर हो जाए, इसके वर्तिकाग्र पर। तो इस क्रिया को कहते हैं स्वपरागण अर्थात उसी पुष्प के अंतर्गत वहीं का पराग कण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाए, उसे स्वपरागण कहते हैं। अब अगर हम बात करें पर परागण की, तो हम देखते हैं कि एक ही पौधे में दो अलग अलग फ्लावर्स हैं,
इस प्रकार से दो फ्लावर हैं। अब इसके परागकणों का दूसरे पुष्प के परागकणों तक, दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाए, ये यहाँ के वर्तिकाग्र पर पहुंच गए तो ये हो गया पर परागण। या तो ये उसी पौधे के एक दूसरे के पुष्प में जाएंगे, या फिर इसी तरह से ये इसी सामान्य जाति उसी प्रजाति के दूसरे पुष्पों पर जाकर के परागण की प्रक्रिया को पूरा करेंगे, तो उसे कहते हैं पर परागण। समझ गए बच्चों? स्वपरागण यानी स्वयं के पुष्प में वही के परागकण वही पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, उसे स्वपरागण कहते हैं। और पर परागण अर्थात जब एक पुष्प के परागकण उसी जाति के किसी दूसरे पुष्प पर पहुंचते हैं तो उसे पर परागण कहते हैं। किसी भी परागकण का किसी भी पुष्प में जाके पहुंचना परागण नहीं कहलाता, ये बात आप ध्यान दें, नोटिस करें कि वो उसी जाति का पौधा होना चाहिए। मान लो हम कहते हैं कि अगर एक गुलाब के पौधे के परागकण है आम के पौधे पर जाकर के उसके फ्लावर के वर्तिकाग्र पर चले गए और हमने बोला परागण हो गया, तो ये बात सही नहीं है। बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है कि उसी पुष्प का उसी की जाति के वर्तिकाग्र पर पहुंचना पुष्प के परागकण कहलाता है। तो ये हमने पढ़ा परागकण के प्रकार, स्वपरागण और पर परागण। नेक्स्ट देखते हैं हम सेल्फ पॉलिनेशन की क्रियाविधि। तो एक डायग्राम के द्वारा हमने यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट किया है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये क्या है, इसका एंथर पार्ट है अर्थात पुंकेसर वाला हिस्सा है, और ये पुंकेसर वाले हिस्से से जो परागकण रिलीज हुए ये सारे के सारे कहाँ पहुंच गए, इसका जो जायांग वाला पोर्शन है जहाँ पर वर्तिकाग्र वर्तिका और अंडाशय वाला पोर्शन है उसको कहते हैं जायांग, आप सबको बहुत अच्छे से याद हो गया होगा बच्चों। तो इसका जो वर्तिकाग्र वाला पोर्शन है उस पर जाकर के ये परागकण बैठ जाते हैं, इस क्रिया को कहते हैं परागण। और चूंकि ये कैसी क्रिया है, उसी पुष्प के दोनों प्रकार के युग्मकों में हो रही है अर्थात इसको हम कहेंगे स्वपरागण। तो ये डायग्राम्स भी आप वहां पर ड्रॉ कर सकते हैं, या तो हवा चलती है तो परागकण यहाँ से वहां जाते हैं, या फिर पुष्प अपने आप में हिलता है या झूमते हैं तो इसमें ये परागण की क्रिया होती है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट टाइप क्या है परागण का। तो सबसे पहले हम देख लें स्वपरागण से हमें क्या लाभ है। तो मेन जो मतलब इम्पोर्टेंट फीचर वो ये है मेंडल्स लॉ के अकॉर्डिंग कि हमको प्योरिटी मिल जाती है, उस जाति की प्योरिटी, उस जाति के जो पौधे हैं उसमें क्या है, क्योंकि इसमें कोई जेनेटिक वेरिएशन नहीं पाया जाता है तो इसमें क्या होता है कि उसी के गुण पूरे शुद्ध हमको शुद्ध प्रजाति प्राप्त होती है। ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट फीचर्स है। और अगर हम देखें कि हानि, तो हानि क्या है कि सेम जीन्स सेम उनका ट्रांसफर होता है तो उसमें कोई क्रॉसिंग ओवर वैसी वाली नहीं हो पाती, तो उसमें नए प्रकार के वेरिएशन डेवलप नहीं हो पाते अर्थात इसमें विविधता प्राप्त हमें नहीं होती है, एकदम प्योरिटी के ही ये कैरियर होते हैं। लेकिन ये प्योरिटी वाली स्पीशीज भी हमको आगे काम आती हैं जब हम अनुवांशिकी के नियमों का अध्ययन करते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉलिनेशन का जो टाइप है, जो हमने सेकंड टाइप पढ़ा था वो क्या था, पर परागण। आप बहुत अच्छे से इसकी परिभाषा लिख सकते हैं, मैंने इसकी परिभाषा इसलिए नहीं लिखी कि आप बच्चे स्वयं इस वीडियो को देख के और उनकी लाइनों को समझ करके आप इसकी परिभाषा अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। क्रॉस पॉलिनेशन या पर परागण अर्थात एक ही प्रजाति में एक पुष्प से परागकणों का दूसरे पुष्प की ओर जाना पर परागण कहलाता है। बिल्कुल समझ में आया कि किसी एक पुष्प से परागकणों का निकल करके दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचना पर परागण। पर यानी दूसरा, बिल्कुल सिंपल, स्व यानी स्वयं का, तो आप स्वयं में लिख सकते हो, जब हमने पर की बात की तो दूसरे का, पर प्रजाति एक ही होना चाहिए, तो एक ही प्रजाति के पुष्प के परागकणों का उसी प्रजाति के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचना पर परागण कहलाता है। पर परागण को परिभाषित करें तो हो जाएगी परिभाषा परागकणों का एक पुष्प से, ये क्लियर हो गया बच्चों, उसे उसी प्रजाति के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचना पर परागण कहलाता है। क्रॉस पॉलिनेशन, इसको हम
जीनोगैमी भी बोलते हैं। इस टर्म टर्म को अगर हम इंग्लिश में देखें तो क्या बोलते हैं, जीनोगैमी। यहाँ ध्यान देंगे बच्चों, जीनोगैमी, इससे हमको समझ में अच्छे से आएगा और आपको हमेशा याद रहेगा, ये ट्रिक है याद करने की, जीनोगैमी। ये इसको इंग्लिश में जीनोगैमी कहते हैं। अब आप यहां देखिए, यहां क्रॉस बना ना एक्स, इसका मतलब है एक पुष्प का दूसरे पुष्प तक परागकणों का पहुंचना। अब हम देखेंगे इससे लाभ क्या है। तो यहाँ पर हमको क्या होता है, जब एक पुष्प से जाएगा दूसरी उसी प्रजाति के दूसरे पुष्प पे, या दूसरे उसी पौधे के दूसरे वाले पुष्प पे जाएगा, तो क्या होगा कि क्रॉसिंग ओवर होगी इसमें, और हमें कैसी पाई जाएगी जो जेनेटिक है वो, उसमें हमको वेरिएशन प्राप्त होंगे, उसमें और अधिक रोग प्रतिरोधी क्षमता डेवलप होगी, और अधिक अच्छी उच्च किस्म हमको इससे प्राप्त हो जाएगी। और इससे हमको बस एक ही मतलब मेनली एक ही डिमेरिट है इसकी, हानि जो प्योर लाइन संतति, जो एकदम शुद्धता जो रहती है वो उसकी संभावना नहीं होती। तो ये था आपका पर परागण। अब हम देखते हैं, देखेंगे पॉलिनेटिंग एजेंट अर्थात परागण के कारक, ऐसे वे कारक जो परागण की क्रिया को संपन्न करवाने में सहायता करते हैं, उसको प्रभावित करते हैं, उसे हम परागण कारक कहते हैं। ये जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, पहला है एबायोटिक फैक्टर अर्थात इसको कहते हैं अजैविक कारक। ये कौन से कारक हो गए बच्चों, अजैविक कारक हो गए। और दूसरा होता है बायोटिक फैक्टर अर्थात जैविक कारक। अगर हम अजैविक कारकों के अंतर्गत देखें तो दो मेन है इसमें, पहला है विंड अर्थात हवा या वायु भी इसको बोलते हैं, और दूसरा है वॉटर या जल परागण। हवा के द्वारा होने वाले परागण को हम बोलते हैं वायु परागण, और जल के द्वारा होने वाले परागण को बोलेंगे जल परागण। सिंपल सी बात है कि जब तेज हवा चलती है या हवा के द्वारा जो परागकण है यहाँ से वहां, पहले तो क्या होता है पुष्प परागकणों को वायु में छोड़ देता है, फिर जब हवा चलती है तो वही परागकण उसी प्रजाति के पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचा दिए जाते हैं। दूसरा है वॉटर या जल परागण। जल परागण में क्या होता है, तो जलीय जीव जो पुष्पन की क्रिया करते हैं वो भी अपने परागकण किसमें रिलीज कर देते हैं, जल में या वॉटर में रिलीज कर देते हैं, और ये जो परागकण है बाद में वो बहता हुआ जल उन परागकणों को उसी पौधे के किसी दूसरे प्रजाति या पुष्प में वर्तिकाग्र में ट्रांसफर कर देता है। अब अगर हम बायोटिक फैक्टर या जैविक कारकों की बात करें तो सिंपल सी बात है कि इसमें बहुत सारे हैं, लेकिन मेन यहाँ पर 3 डिस्कस हो रहे हैं। पहला है बर्ड यानी पक्षियों द्वारा, कि जब पक्षी उड़ते हैं और एक पुष्प पर बैठते हैं फिर वो परागकणों को लेकर के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित कर देते हैं। दूसरा है कीटों के द्वारा, हमें मालूम है असंख्य कीटों की प्रजातियां हैं इस पर्यावरण में, और भांति भांति के जो कीट होते हैं वो पुष्पों की तरफ कैसे होते हैं, आकर्षित होते हैं। क्यों आकर्षित होते हैं, क्योंकि हमने डिस्कस किया कि जो दलपत्र होता है वो बहुत सुंदर होता है, और वो सुंदर इसीलिए होता है कि भांति भांति के कीट पक्षी और जीव उनकी ओर आकर्षित हो सकें, तो उनके द्वारा भी परागण की क्रिया संपन्न होती है। फिर एक और है बैट या चमगादड़, वो भी क्या होते हैं, पुष्पों पर जाकर के बैठते हैं और वहां से परागकणों को लेकर के दूसरे पुष्प तक पहुंचाते हैं, तो ये कहलाते हैं जैविक कारक। कभी कभी हम भी यदि अपने हाथ जो पौधों में फूलों से पकड़े हुए हाथों को जिसमें परागकण लग जाते हैं वो किसी दूसरे फूल को टच करते हैं तो वहां परागण हो जाता है। तो सिंपल सी बात है, परागकणों को हम वर्तिकाग्र तक पहुंचाते हैं। अब अगर हम इसका फ्लो चार्ट देखें तो देखेंगे कि हमने इस प्रकार से इसको बांटा, परागण कारक दो भागों में, अजैविक कारक और जैविक कारक हो गया। अजैविक कारक में हवा द्वारा होने वाला परागण हो गया, इसको कहते हैं हम वायु परागण। और जल द्वारा होने वाला परागण जल परागण कहला गया। और जैसा कि हम पढ़ चुके हैं तो जैविक कारकों में पक्षियों द्वारा, कीटों द्वारा और चमगादड़ द्वारा। अब कुछ पुष्प ऐसे होते हैं और कुछ प्रजातियां ऐसी हैं इस समय वर्तमान पर्यावरण में, कुछ जीव जंतु विलुप्त भी हो रहे हैं, जिनके कारण
पुष्पों के परागण में भी क्या हो रहा है, असर हो रहा है। तो एक नई विधि जो वैज्ञानिक विधि है उसको कहते हैं कृत्रिम परागण। ये अलग से मैं आपको समझा रही हूँ। कृत्रिम परागण क्या होता है कि इसमें कृत्रिम रूप से पराग कणों को पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचाया जाता है। तो बच्चों ये था आपका परागण और परागण के कारकों के बारे में। अब ये कौन सा परागण किस पौधे में किस विधि से होता है इसके बारे में अध्ययन हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू बच्चों।